हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं हूं प्रिंस और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फिल्म चिंटू का बर्थडे का। तो ये जो फिल्म है, ये फिल्म कैसा लगा मुझे, ये फिल्म क्यों अच्छा लगा, किस लिए अच्छा लगा, मैं सब डिटेल्स बोलूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड गेट द बेल आइकॉन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ कुछ फिल्म होता है जो दिल में एक अलग सा जगह कर लेती है, जिसको देख के एक अलग सा फीलिंग्स आता है। ऐसे सारे फिल्मों के लिस्ट में जिस एक्टर का नाम सबसे पहला आता है वो है हमारा सबसे फेवरेट एक्टर विनय पाठक। विनय पाठक का बहुत सारे फिल्म है जो दिल में मेरे लिए एक अलग से जगह कर ली है। वैसे फिल्मों का नाम है दस भी दनिया, अगर देखे तो चलो दिल्ली। ये जो फिल्म है विनय पाठक का करियर का वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड मूवीज है। ये सारे फिल्म अंडररेटेड है लेकिन सारे में उसने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर देखे तो भेजा फ्राई की बात करूँ तो भेजा फ्राई वन, भेजा फ्राई टू, सारे फिल्मों में उसने मतलब जी भर के एक्टिंग किया है इस आदमी ने। उसके बाद देखे जो सपोर्टिंग कास्ट होता है उसमें भी उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है, बदलापुर जैसे फिल्मों में, रब ने बना दी जूड़ी जैसी फिल्मों में। तो जब विनय पाठक कोई फिल्म करता है तो मैं मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म अच्छा होने वाली है। लेकिन वही चिंटू का बर्थडे जो फिल्म है, इसको देख के मैं एक ही बात बोलूँगा कि फिल्म आउटस्टैंडिंग है। सिर्फ आउटस्टैंडिंग इसलिए नहीं कि एक्टिंग अच्छा है, आउटस्टैंडिंग इसलिए है कि डायरेक्टर ने इस फिल्म को बहुत ही स्मार्ट तरीके से डायरेक्ट किया है। फिल्म का डायरेक्टर है देवांशु सिंह, जिसको मैं इसके पहले मैं नहीं पहचानता था, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मैं देवांशु सिंह का एक बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ। किस लेवल का डायरेक्शन उसने किया है, मतलब एक छोटा सा कंटेंट को लेके, एक वार को लेके, एक फैमिली का ड्रामा को कैसे लाया जा सकता है वो दिखा दिया है इस फिल्म में। मतलब सर विनय पाठक नहीं, हर किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, सारे एक्टर्स ने मतलब जी भर के काम किया है। फिल्म का ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा 23 मिनट का फिल्म है, लेकिन कभी भी आपको एक टाइम भी बोर नहीं रहेगा। मतलब इस फिल्म के एडिटिंग एकदम परफेक्ट है, एडिटिंग एकदम 100-100 राइट है, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही, कुछ ज़्यादा सीन नहीं है। कुछ सीन को देखकर आपको यह नहीं लगेगा कि ये सीन क्यों लाया गया है, इस सीन की क्या ज़रूरत है, आपको एक सीन भी ऐसा नहीं लगेगा। और चिंटू के मतलब जो बच्चा इसमें पार्ट किया है, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग किया है। विनय पाठक ने तो अच्छा किया है लेकिन एक छोटा सा बच्चे ने क्या एक्टिंग किया है। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही अच्छा लगा और मैं एक दावे कर सकता हूँ Zee5 का जो रिसेंटली जो फिल्म आया है उसमें से चिंटू का बर्थडे वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 5 में से 4.5। आप लोगों को कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को यही बोलूँगा कि जाके जाइए Zee5 पे जल्दी से सब्सक्रिप्शन कर लीजिए और जल्दी से इस मूवी को देख लीजिए, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक अलग सा ख्याल आने वाला है, अलग सा फीलिंग्स कम करने वाला है कि एक बर्थडे को लेकर एक फैमिली कितना दूर जा सकता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक फैमिली ड्रामा के साथ एक अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कहूँगा अभी जाइए, जाके सब्सक्रिप्शन कीजिए और जल्दी से Zee5 पे देख लीजिए फिल्म। गारंटी के साथ कह सकते हैं फिल्म आउटस्टैंडिंग है। तो अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड गेट द बेल आइकॉन। सभी सुस्त रहिए एंड टेक केयर।